top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. प्रदर्शन किया है, किन मांगों को लेकर आपने प्रदर्शन किया है, क्या है? हमारे यहाँ पर जो थर्ड क्लास टीचरों का समायोजन हुआ था उसके अगेंस्ट में हमने जो धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी, थर्ड क्लास समायोजन में जो जेवर के हमारे शिक्षक थे उनको बिस्रक में बिस्रक भेज दिया और बिस्रक के जो टीचर थे उनको जेवर में भेज दिया, जबकि हमारे प्राथमिक शिक्षक उस विद्यालयों में स्थान काफी ज्यादा थे यहाँ पर भी, तो ये यहीं समायोजित हो सकते थे लेकिन ये यहाँ समायोजित ना करके और जेवर की तरफ भेज दिए। अब एक अध्यापक एक अध्यापिका है जो 70 किलोमीटर दूर से कैसे आएगी, कैसे स्कूल में पहुंचेगी, कैसे शिक्षण कार्य इससे प्रभावित होगा, इसलिए हमने धरना प्रदर्शन किया है। दूसरा हमारी जो दूसरी मांग थी कि समायोजन में ना तो शिक्षक संघ को पूछा गया ना ही ABSO को पूछा गया, उसमें सबसे बड़ी खामी ये रही कि ना तो दिव्यांगों के लिए इन्होंने काउंसलिंग कराई, ना ही महिलाओं के लिए कराई, ना ही असाध्य रोगी जो टीचर हैं उनके लिए काउंसलिंग कराई। जो जियो होता है उसमें ये होता है सबसे पहले दिव्यांग, फिर महिला और जो है असाध्य बीमारी वाले उनके लिए समायोजित करने से पहले उनसे विकल्प लिए जाते हैं पांच पांच, जो कि नहीं लिए गए और उनको पूर्ण रूप से विलोपित कर दिया गया। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगले स्टेप क्या होगा? अनिश्चित धंधा चलेगा हमारा। आपने जिलाधिकारी से बातचीत करी? जिलाधिकारी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस विषय पे जो कल को जो 10 बजे जो जिला बेस शिक्षा अधिकारी है उनसे वार्ता कराएंगे और जो समस्याएं हैं उनका निदान करने का कष्ट करेंगे, लेकिन हमारे जो जिला बेस शिक्षा अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर हो गया है। जब ट्रांसफर हो गया तो वो समस्या कौन सुनेगा हमारी? तो आए थे जो नए BSA आए थे उन्होंने तो अपना पैकेज बना के चलते बने, इसमें भ्रष्टाचार की बुआ रही है हमें, जिसका हम पूरा जोर भर्ती करते हैं।